मैंगो केक बना के दिखाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने देखिए एक पीस आम का ली हूँ, इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और ये 125 ml की करीब मैदा है। मैं छोटा ही एक केक बना के दिखाने जा रही हूँ। और 60 ml के करीब चीनी है, शुगर पाउडर है 1/4 चम्मच। ये बटर है और ये दूध है। फिर मैं दिखा रही हूँ कैसे, पहले मैंने मैंगो को पीस लूँगी मिक्सी में। कुकर में छोटा ही केक बना रही हूँ, इसलिए मैं एक छोटा कुकर में एक कटोरी के करीब नमक को गर्म करने के लिए, प्री हीट करने के लिए रखती हूँ। अब मैं बैटर बनाने जा रही हूँ। के करीब बटर ली है, छोटा ही केक है इसलिए मैं ज्यादा बटर नहीं ली। ज्यादा पसंद करते हैं वो इससे ज्यादा भी थोड़ा दे सकते हैं। तो मैं इसमें रिफाइंड तेल भी डाल दूंगी। अब मैं मैदा को डाल दी। ये छोटी चम्मच से, एक चम्मच से थोड़ा सा कम है, मैं बेकिंग पाउडर डाल दी। और इसी चम्मच से मैं थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, चुटकी भर नमक डाल दी। और मैं इसे छान लूँगी। देखिए अभी ऐसी है, और थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ेगा इसमें। बैटर मेरी बन चुकी है इस तरह से। देखिए बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब मैं इसमें एक चम्मच के करीब विनेगर डाल रही हूँ, एक चम्मच से थोड़ा सा कम है। मैं थोड़ा
कलर डाल दी, जैसे मैंगो कलर होता है ये येलो कलर डाल दी, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। मैंगो एसेंस थोड़ा डाल दी, एक चम्मच के करीब। बटर पेपर लगा दी, बटर पेपर, और इससे भी मैंने थोड़ा सा ऊपर से तेल से ग्रीस कर रही हूँ कि निकालने में आसान रहेगा, डीमोल्ड करने में आसान रहेगा। इसे पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। अब मैं इसे अच्छी तरह टैप कर रही हूँ जिससे हवा निकल जाए। पैन को रख दी मैं, रख दी इसमें, इसका ढक्कन बंद कर दी। इसका सीटी निकाल लेना है, वेट जो रहता है इसका निकाल लेना है। मैं इसे मध्यम आंच में रख दी, अब फिर 15 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि हो रहा है कि नहीं। लगभग तैयार है ना? हाँ, अब मैं देख रही हूँ। देखिए मेरी कितनी अच्छी अच्छी यमी यमी केक बनी है। अब ये ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसे डिमोल्ड करके दिखाऊंगी आपको। अब मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ, थोड़ी ठंडी हो गई है। बटर पेपर रहने से निकालने में आसान होती है। डिमोल्ड कर रही हूँ। हाँ, मैं डिमोल्ड कर रही हूँ, बटर पेपर को निकाल दी। देखिए कितना अच्छा बना है। अब मैं इसे सीधा कर दी। बना है बहुत सब बना। आइसिंग के लिए मैं चाकू को गरम कर ली और इसके बीच से मैं काट रही हूँ। देखिए काट दिए। अब मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। मैं चीनी का रस बना के रखी थी, इसको लगा दी, फिर मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। चीनी से मैं एक रस बनाई थी, उससे लगा दी पहले, फिर मैं क्रीम लगा रही हूँ। इसके ऊपर से मैं रख दी। अब मैं इसमें भी थोड़ा चीनी लगा दी, चीनी का रस जो बना के रखी थी उससे लगा रही हूँ। आइसिंग करने में सुविधा होती है। थोड़ी सी चीनी लेकर इसका रस बना ली थी। देखिए मैं इस तरह से एक
this is the टूटी फूटी और जेली से मैं इसको सजाऊंगी, डेकोरेट करूंगी। जेली को देखिए, हाँ तो ये मेरी मैंगो केक बन के तैयार है। मैं ये बच्चों के लिए इस तरह से रंग बिरंगा करके बनाई। आप इसे बच्चे इसे देखकर खुश हो जाएंगे और बड़ों को भी अच्छा ही लगेगा। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि ये कैसी लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं, और शेयर करें। और मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और इसमें आपको कोई खर्चे नहीं लगेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।